Hi, good morning everyone. This is KD from KD Shivam channel, right? मैं ये नहीं पूछूंगा कि 2020 कैसा रहा. मुझे पता है 2020 हम सब लोगों के लिए काफ़ी ख़राब रहा, right? लेकिन फिर भी ये बात ज़रूर कहूंगा कि 2020 जाते जाते कुछ ऐसी चीज़ें सिखा के गया जो शायद किसी साल ने नहीं सिखाया. हाँ दोस्तों, पहली बात, फैमिली के साथ रहना सिखाया उसने, राइट. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओ हो, पहली बार हम फैमिली के साथ इतना टाइम साथ में रहे, तो ये बहुत ही अच्छी बात निकली. दूसरी बात, सेविंग्स. सेविंग्स कितनी ज़रूरत है, सेविंग्स का जो वैल्यू है वो सिखाया कोरोना ने. यस, और सबसे लास्ट बात, फाइट करो. कैसा भी बुरा वक्त ना हो, आप फाइट करो, खड़े रहो सामने, राइट. हार नहीं मानना है, ये सबसे अच्छा लेसन सिखाया है. यस, सो थैंक यू 2020. नाउ लेट्स वेलकम 2021. हाँ दोस्तों, मैं केडी फ्रॉम केडी शिवम चैनल आज लाया हूँ कुछ रिसोल्यूशंस. आई होप आपको ये पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो नोटबुक लेके बैठ जाइए और आप भी कुछ रिजोल्यूशंस लिख लीजिए और फॉलो कीजिए. और अगर इन रिजोल्यूशंस के अलावा कुछ ऐसे रिजोल्यूशन हैं जो आपको लगता है कि ये साल ऐड होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसे फॉलो करूँगा. अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए. नाउ लेट्स स्टार्ट दी रिजोल्यूशन नंबर 1. सो दोस्तों, हमारा सबसे पहला रिजोल्यूशन होगा डेली एक्सरसाइज. यस, या तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग करो या तो शाम को. वॉकिंग, कम से कम वॉकिंग तो करो, राइट. प्राणायाम करो, कुछ ना कुछ ऐड एक्सरसाइज इनटू योर डेली हैबिट्स. यस, दिस विल चेंज योर लाइफ, दिस विल कीप यू हेल्थी. ये बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ ऐड स्टार्ट द डे विथ डेली एक्सरसाइज. और वॉकिंग कम से कम 40 मिनट्स होना चाहिए. तो अगर आप 40 मिनट्स वॉकिंग करो या तो कोई एक्सरसाइज करो, योगा करो, आपको हेल्थी रखेगा. तो हमारा फर्स्ट रिजोल्यूशन है डेली एक्सरसाइज. सेकंड है मूव वन स्टेप अहेड. ये क्या होता है, राइट. सपोज आप एक स्टूडेंट हैं, राइट. अभी तक आप सेकंड रैंक आ रहे थे, आपका नेक्स्ट टारगेट होगा फर्स्ट रैंक. आप बिजनेस कर रहे हैं, आप ये मुकाम तक पहुंचे हैं, एक टारगेट आगे रखो, राइट. जस्ट वन स्टेप अहेड, कीप मूविंग, डेवलपमेंट का सोचो. दिस इज आवर सेकंड रिजोल्यूशन. हमारा थर्ड रिजोल्यूशन है हेल्प अदर्स. हेल्प अदर्स का मतलब वो नहीं कि जाके वीडियो शूटिंग वाला हेल्प, वो नहीं. नीडी जो है वो आपको ढूंढ के आएंगे, हेल्प कोई मांगने आएगा, राइट. ऐसा होता है हेल्प, राइट. फॉर एग्जांपल, सपोज आप एक स्टूडेंट हैं, आपको आपका फ्रेंड आके बता रहा है कि ये मुझे मेरा ये मुझे ये सम सिखाना, मुझे ये क्वेश्चन समझाना. दिस इज हेल्प, राइट. वो एग्ज़ाम के टाइम में आप बैठे हो और कोई बंदा उसका पेन चल नहीं रही है बराबर, और आप उसको पेन की ज़रूरत है, ये हेल्प है, राइट. जब भी चांस मिले गवाना नहीं, राइट. आपसे जितना हुए उतना हेल्प करो. हमारा फोर्थ रिजोल्यूशन है फैमिली टाइम. ये हमको 2020 बहुत ही अच्छी तरह समझा के गया है, तो ये इसे बरकरार रखिए. फैमिली टाइम हमेशा ज़रूरी है, कुछ नहीं तो साथ में खाना खाना भी एक फैमिली टाइम है. जस्ट हैव दिस, एन्जॉय दिस टाइम, ओके. नेक्स्ट इज़ फ्रेंड्स गेट टुगेदर. हाँ दोस्तों, राइट. ये जो दोस्तों जो शब्द बोलता हूँ ना, जब भी कोई वर्ड दोस्तों करके आता है, फ्रेंड्स आता है, एक स्माइल आ जाता है. यस, दे आर वेरी 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 इम्पोर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ, तो उनको छोड़ना नहीं, राइट. व्हाट्सएप में मिले रहो उनके साथ, जब भी गेट टुगेदर होने का चांस मिलता है तो गेट टुगेदर करिए. और दैट्स द बेस्ट वे टू कीप इन टच विथ फ्रेंड्स, और ये बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है सेविंग्स अहेड ऑफ एक्सपेंसेस. ये भी हमें सिखा गया कोरोना, राइट. जिनके पास सेविंग्स था वो ये 8-9 महीने अच्छी तरह निकाल पाए हैं, जिनके पास नहीं था वो बेबस हो गए हैं, राइट. तो सेविंग्स, अगर आपके पास 10 रुपया है,
आपने अगर 10 रुपया कमाया है तो उस 10 में से 1 रुपया आप सेव करो, कंपलसरी सेव करो, राइट। वेदर इट इज स्टूडेंट और एनी पर्सन, सेविंग्स अहेड ऑफ एक्सपेंसेस, राइट। नेक्स्ट इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हाँ, गलती तो सब करते हैं, हमने भी बहुत सारी गलती की। मैंने जिन जिन के सामने साथ गलती की या किसी को हर्ट किया, मैंने सॉरी बोला है, यस। तो गलती करते हैं तो उसमें से सीखो, क्या किया हमने, क्यों किया, राइट। अगर वो हमारी गलती है तो एक्सेप्ट कर लो। व्हेन यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक यू विल नॉट रिपीट इट। द एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट वे टू नॉट रिपीट द सेम। तो दिस इज द थिंग, तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, सी टू इट दैट इट इज नॉट रिपीटेड। नेक्स्ट इज लीव थ्री बैड हैबिट्स। थ्री बैड हैबिट्स कौन से, वो आप जानते हैं। कोई भी 3 बैड हैबिट, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप ड्रिंक्स करते हैं, या अगर आप बार बार गाली बोलते हैं, मतलब कुछ भी बैड हैबिट, आपके हिसाब से बैड हैबिट्स कौन से हैं वो आप तय कीजिए। मेरे हिसाब से एक बैड हैबिट है, वो है मैं बहुत चाय पीता हूँ, तो शायद ये साल मैं चाय पे कंट्रोल लाने वाला हूँ, या तो चाय कम कर दूँगा पीना, व्हाटएवर, लेकिन एक चीज़ मैं कम करने वाला हूँ, राइट। फिर उसके बाद मैं टाइम कीपर नहीं हूँ, मुझे मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे कुछ हैं जो चीज़ मुझे सीखना है, वही चीज़ आपको भी करना है। आपके 3 बैड हैबिट आपको छोड़ना है और 3 गुड हैबिट्स आपको ऐड करना है। दिस इज़ आवर लास्ट रिजोल्यूशन। अब गुड हैबिट्स बहुत हैं, जैसे आप रीडिंग बुक्स इट्स अ गुड हैबिट, राइट। वॉचिंग न्यूज़ इट्स अ वेरी गुड हैबिट, राइट। आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, व्हाटएवर। ये डे टू डे हमको समझ से पड़े, डे टू डे न्यूज़ मिल जाएगा, हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत सारे गुड हैबिट्स हैं, हाँ, इसमें से कोई 3 गुड हैबिट आपको ऐड करना है अपने रिजोल्यूशन में, राइट। और दिस वे वी कैन वेलकम अवर 2021 एंड मेक अवर 2021 अ बेस्ट ईयर, राइट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फ्रॉम 2021 एंड आई विश अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, राइट, फॉर द प्रॉस्परस 2021। विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर टू ऑल, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। आप बेल आइकन प्रेस करना सो दैट आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे अगले वीडियो का, ओके। बाय, हैप्पी न्यू ईयर।